हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंपिटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें करेंट अफेयर्स रिवीजन। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग रिवीजन करते हैं लगभग जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है वहाँ इसका जो है हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं, और जो रिसेंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हम लोग यहाँ पे याद करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे करेंट अफेयर्स में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है एनएसजी के महानिदेशक कौन है। ठीक है, ये अभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो कुछ दिन पहले ही बने हैं, तो इनका अभी जो है कार्यकाल अभी बहुत एक से दो साल और है, तो अभी ये चेंज नहीं होंगे, इसलिए इन्हें याद करने में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम तक आपके यही रहेंगे। एनएसजी के महानिदेशक जो हैं कौन है, कौन बने हैं अभी जो नए बने हैं, वो कुछ दिन पहले अनूप कुमार सिंह। ठीक है, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या कहा जाता है, एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का फुल फॉर्म हो गया आपका एनएसजी का। और इनके जो महानिदेशक कौन बने हैं हाल में, अनूप कुमार सिंह। चलिए देखते हैं आगे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नए प्रमुख कौन बनी है। तो ये बनी है आपकी क्रिस्टीन लगार्ड जो है वो बनी है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नई प्रमुख। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है के पारासरन को। किसे दिया गया है, के पारासरन, इन्हें दिया गया है सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार 2019। ठीक है, 2019 के पारासरन को। चलिए देखते हैं आगे, पीपल आइकन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। पीपल आइकन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, ये दिया गया है जेनिफर एनिस्टन को। जेनिफर एनिस्टन है, इन्हें दिया गया है पीपल आइकन अवार्ड 2019। पीपल आइकन अवार्ड 2019 जो है वो दिया गया है जेनिफर एनिस्टन को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 65वें ग्रैंड मास्टर आपके जो हैं, ग्रैंड मास्टर जो है वो किस खेल से संबंधित है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रैंड मास्टर जो है ये किस खेल से संबंधित होता है, ये चेस से संबंधित होता है। तो ये जो है 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये बने हैं रौनक साधवानी। कौन बने हैं, रौनक साधवानी। ठीक है, रौनक साधवानी जो है आपके 65वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए देखते हैं आगे, ईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। ईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है अरुण जेटली जी को। किन्हें, अरुण जेटली को दिया गया है ईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। 2019 यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2019 का अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ महिला के बारे में पूछा गया है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये दिया गया है जो एलिसा पेरी को। किसे, एलिसा पेरी जो है इन्हें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया है एलिसा पेरी को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, 2019 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। 2019 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है बेन स्टोक्स को। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है में इन्होंने अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया था, इसलिए इन्हें दिया गया है बेन स्टोक्स को, बेन स्टोक्स। ठीक है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, और इन्हें दिया गया है 2019 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, बेन स्टोक्स। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन। जो भी इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग हमारे साथ जुड़ें,
सीखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।